अलावा दीगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के बारे में कहा जाता है कि वो मोबाइल फ़ोन के माइक्रोफोन के ज़रिए सार्फिन की बातें भी सुनते हैं। अब एक टिकटॉकर लड़की ने इसका हैरान कुन सबूत भी पेश कर दिया है। तफसीलात में जाने से कबल, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो बराए मेहरबानी दी रिपोर्टर्स का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल TR Info सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आइंदा आने वाली मालूमाती वीडियोस भी आप तक बाकायदगी से पहुंचती रहें। नाजरीन, फेसबुक से मुतल्लिक दी सन की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि एक टिकटॉकर लड़की ने अपने टिकटॉक अकाउंट पर वीडियो में बताया है कि फेसबुक हमारे स्मार्टफोन के माइक के ज़रिए हमारी बातें सुनता है और इनसे हमारी पसंद और नापसंद के बारे में आगाही हासिल करके इसी निस्बत से हमें इश्तहारात दिखाता है। लड़की बताती है कि मेरे पास इस बात का सबूत भी है, मेरे फेसबुक अकाउंट पर कभी ओट मिल्क के बारे में इश्तहारात नज़र नहीं आए थे। गुज़िश्ता दिनों मैंने अपनी एक सहेली के साथ इसके मुतल्लिक गुफ्तगू की, उस वक्त मेरा फ़ोन मेरे पास पड़ा था। इसके चंद घंटे बाद ही मैंने अपना फेसबुक अकाउंट खोला तो मेरे सामने ओट मिल्क का इश्तहार आ गया। मैं एक कॉफ़ी शॉप चलाती हूँ और हमारे पास ओट मिल्क की किल्लत होती थी, जिसके मुतल्लिक मैंने अपनी दोस्त के साथ गुफ्तगू की थी। लड़की की यह 30 सेकंड की वीडियो टिकटॉक पर तेज़ी से वायरल हो रही है, जिसे अब तक 70,000 से ज़ायद लोग देख चुके हैं और कमेंट्स में दीगर सार्फिन भी अपने ऐसे ही तजर्बात बयान कर रहे हैं और तस्दीक कर रहे हैं कि फेसबुक वाकई हमारी बातें सुनता है। I own coffee shops and we're having an oat milk shortage. So my wholesaler asks to meet me and we can do a little taste test of some different oat milk products. We meet, we steam oat milk, we have a taste test. Later that night, I'm at home and my Facebook is filled with oat milk ads. I've never looked up oat milk. I didn't even open my phone when he was with me. I'm honestly not sure how to feel about it.